ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಶ್ರೀ ಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗನ್ನಡಂ ವಾಳ್ಗೆ जय भारत जनजातीय तनु जाते जय हे कर्नाटक माते एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ऐसे समर्पण भाव को रखने वाले राष्ट्र कवि कुवेंपू की धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज मुझे एक बार फिर कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। अभी अभी शिवमोगा में हूं और यहां से मुझे बेलगावी जाना है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। आज रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास हुआ है। हर घर नल से जल के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। विकास के ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए मैं शिवमोगा के और आसपास के सभी जिलों का, वहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। आज कर्नाटक के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। येदियुरप्पा जी ने अभी पिछले हफ्ते कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी येदियुरप्पा जी का ये भाषण, उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। साथियों, मेरी आप सबसे एक विनंती है, आप करेंगे
करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येडियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए। येडियुरप्पा जी के सम्मान में सब लोग हरेक के मोबाइल पर फ्लैश लाइट चलना चाहिए, येडियुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए। 50-60 साल का सार्वजनिक जीवन, अपनी पूरी जवानी एक विचार के लिए खपा दी है। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू करके आदरणीय येडियुरप्पा जी का सम्मान करे। शाबाश शाबाश। भारत माता की। जब मैं भाजपा सरकार के दौरान कर्नाटका की विकास यात्राओं को देखता हूं तो पाता हूं कर्नाटका अभिवृद्धिया रथादा मेले, ई रथाऊ प्रगतिया पथादा मेले। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है। पहले जब कर्नाटका के विकास की चर्चा होती थी तो ये बड़े शहरों के आसपास वहीं तक सीमित रहती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार इस विकास को कर्नाटका के गांवों तक, टीयर टू सिटी तक, टीयर थ्री सिटी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवमोगा का विकास इसी सोच का परिणाम है। भाइयों और बहनों, शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। आज भारत के एविएशन मार्केट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आने वाले समय में हजारों विमानों की जरूरत
भारत में पड़ने वाली है। इन विमानों में काम करने के लिए हजारों युवाओं की जरूरत होगी। अभी हम भले ही ये विमान विदेशों से मंगा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया पैसेंजर वाले प्लेन में प्रवास करेंगे। एविएशन सेक्टर में रोजगार के लिए अनेक संभावनाएं खुलने वाली है। साथियों, आज भारत में हवाई यात्रा का जो विस्तार हुआ है, उसके पीछे भाजपा सरकार की नीतियां और निर्णय है। 2014 से पहले देश में सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट पर फोकस था। छोटे शहर भी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े एक कांग्रेस की सोच ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया। साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, 74 यानी आजादी के 7 दशक बाद भी देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, जबकि भाजपा सरकार अपने 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बनवा चुकी है। देश के अनेक छोटे शहरों के भी पास जब उनके अपने आधुनिक एयरपोर्ट है, आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार क्या है। गरीबों के लिए काम करने वाली भाजपा सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमने तय किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाए। इसलिए हमने बहुत ही कम कीमत पर हवाई टिकट देने वाली उड़ान योजना शुरू की। आज जब मैं देखता हूं कि मेरे कितने ही गरीब भाई बहन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, और उससे मुझे बहुत संतोष होता है। शिवमोगा का एयरपोर्ट भी अब इसका गवाह बनेगा। साथियों, नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती शिवमोगा के लिए ये नया एयरपोर्ट विकास के नए द्वार खोलने जा रहा है। शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। जब नेचर की बात होती है तो यहां की हरियाली, यहां के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नदियां और पहाड़ अद्भुत है। आपके पास मशहूर जोग जलपाता भी है। यहां प्रसिद्ध एलिफेंट कैप है। सीमाधाम में सीमाधाम जैसी लायन सफारी है। आगुम्बे पर्वत के सूर्यास्त का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। यहां तो कहावत है, गंगा स्नाना तुंगा पाना। जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो शिवमोगा के मीठे जल ने राष्ट्र कवि कुवेंपु के शब्दों में मिठा धोली है। दुनिया का
इकलौता संस्कृत गांव मत्तुरु इसी जिले में है और वो तो यहां से दूर भी नहीं है। देवी सिंह गुदुरु चौड़ेश्वरी श्री कोटे आंजने श्री श्रीधर स्वामी जी का आश्रम आस्था और आध्यात्म से जुड़े ऐसे अनेक स्थान भी हमारे शिवमोगा में है। शिवमोगा का इसरू गांव जहां अंग्रेजों के विरुद्ध एसुरू बिट्टुरो ईसुरू बिड़ेवो इसका नारा गूंजा, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्थली है। भाइयों और बहनों, नेचर और कल्चर के साथ साथ शिवमोगा के एग्रीकल्चर की भी विविधता है। ये रीजन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी पाई जाती है वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में स्थापित करता है। चाय सुपारी मसालों से लेकर भांति भांति के फल सब्जी हमारे शिवमोगा विस्तार में होते हैं। शिवमोगा के नेचर कल्चर और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत यहां थी। ये जरूरत कनेक्टिविटी की है, अच्छी कनेक्टिविटी की है। डबल इंजन सरकार इस जरूरत को पूरा कर रही है। एयरपोर्ट के बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा तो मिलेगी, देश विदेश के टूरिस्ट के लिए यहां आना आसान होगा। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपने साथ डॉलर और पाउंड लेके आते हैं और एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी उसमें ही होते हैं। जब रेल कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो सुविधा और टूरिज्म के साथ साथ किसानों को भी नए बाजार मिलते हैं। किसान अपनी फसल कम कीमत में देश भर के मार्केट तक पहुंचाते हैं। साथियों, जब शिवमोगा शिकारीपुरा रानी बेंदूर नई लाइन पूरी होगी तो शिवमोगा के अलावा हावेरी और दावणगेरे जिलों का भी उनको भी लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस लाइन में लेवल क्रॉसिंग नहीं होगी, मतलब ये सुरक्षित रेल लाइन होगी और इस पर तेज गति की ट्रेनें चल पाएगी। कोटे गंगौर अब तक एक छोटा पड़ाव स्टेशन था, अब नया कोचिंग टर्मिनल बनने से इसका महत्व बढ़ जाएगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसे चार रेलवे लाइनों, तीन प्लेटफॉर्म और एक रेलवे कोचिंग डिपो के साथ तैयार किया जा रहा है। इससे यहां से देश के दूसरे हिस्सों के लिए नई ट्रेनें चल पाएंगी। हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब रोड भी अच्छी होती है तब युवाओं का बहुत लाभ होता है। शिवमोगा तो एजुकेशनल हब है, अच्छी कनेक्टिविटी होने से आसपास के जिलों से युवा साथियों के लिए यहां आना आसान होगा। इससे नए बिजनेस के लिए, नए उद्योगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। यानी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर,
इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनाने जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज शिवमोगा और इस क्षेत्र की माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। ये अभियान है हर घर पाइप से जल पहुंचाने का। शिवमोगा जिले में तीन लल रहा है। बीते 3.5 वर्षों में कर्नाटका में 40 लाख ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा गया है। साथियों, बीजेपी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। बीजेपी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। बीजेपी की सरकार माताओं बहनों का स्वाभिमान, माताओं बहनों के लिए अवसर, माताओं बहनों के सशक्तिकरण इस रास्ते पर चल रही है। इसलिए हमने बहनों से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने का प्रयास किया है। टॉयलेट हो, रसोई घर में किचन में गैस हो या नल से जल हो, इनका अभाव हमारी बहनों बेटियों को ही सबसे अधिक परेशान करता था। आज इसको हम दूर कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से डबल इंजन सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। साथियों, कर्नाटका के लोग भली भांति जानते हैं कि भारत का ये अमृतकाल विकसित भारत बनाने का काल है। आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है। पहली बार पूरी दुनिया में भारत की इतनी गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया भर के निवेशक भारत आना चाहते हैं और जब निवेश आता है तो उसका बहुत लाभ कर्नाटका को भी होता है, यहाँ के युवाओं को भी होता है। इसलिए कर्नाटका डबल इंजन सरकार को बार बार अवसर देने का मत बना चुका है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कर्नाटका के विकास का यह अभियान अब और तेज होने वाला है। हमें मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर चलना है। हमें एक साथ चल करके हमारे कर्नाटका के लोगों के, हमारे शिवमोगा के लोगों के सपनों को पूरा करना है। एक बार फिर आप सभी को विकास के इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।